नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तुला राशि वालों, आपके लिए एक धमाकेदार खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेगी जिससे आप ढोल बजा बजा कर मिठाई बांटना शुरू कर दोगे। जी हाँ तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें दोस्तों, रातों रात अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ तुला राशि वालों, पूरी दुनिया आपको देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि तुला राशि वालों अगले 24 घंटे में आप सभी के जुनकाल में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी माला माल होंगे, अब आप भी अमीर होंगे तुला राशि वालों, लेकिन ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अगर ये मौका हाथ से चला गया तुला राशि वालों, तो आप सबसे बड़ा मूर्ख कहलाओगे। जी हाँ, क्योंकि तुला राशि वालों, भाग्य के देवता स्वयं शनि देव जी ने यह घोषणा कर दी है कि अब आपका एक अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे बस इतना ही अनुरोध करते हैं तुला राशि वालों, आप उन गलतियों को फिर से ना दोहराएं जिन गलतियों के कारण आप अपने जीवन काल को बर्बाद किए हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि खुशियां मांगने से नहीं ढूंढने से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ढूंढोगे आपको वो सब चीज मिलेगा जो चीज आपको जरूरत है। जी हाँ, जो आपने अपने अंदर को आलस्य को त्यागना होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने अंदर से कंफर्टेबल को हटाना होगा और आपको उन चीजों पर अपना ध्यान फोकस करना होगा, उन चीजों पर आपको अपना ध्यान लगाना होगा जिस चीज की आपको जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आपको सबसे पहले विस्तार से बताएंगे अगले 24 घंटे में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे आप ढोल बजा बजा कर मिठाई बांटोगे। ग्रह गोचर के आधार पर आज की वीडियो का निर्माण हुआ है। ग्रह गोचर कितना हद तक आपका साथ देने वाले हैं, व्यापार व्यवसाय कैरियर बिजनेस, आपके पारिवारिक माहौल में, दैनिक दिनचर्या में, आपके लव लाइफ में व अन्य सभी स्तरों पर विस्तार से बात किया जाएगा। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भगवान श्री गणपति महाराज जरूर लिखें। दोस्तों आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में कोई किलकारी संबंधित या कोई नन्हे मेहमान का आवागमन हो सकता है। जी हाँ, और ये खुशियां केवल उन्हीं घरों में आने वाली है जिन लोगों की आंखें तरस गई थी। जी हाँ, और जैसे ही इन खुशियों का खबर सुनेगा वे लोग तुरंत मिठाई बांटना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि ये खुशियां आपके तक ही रहना चाहिए, आपके शत्रु आपके विरोधी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपकी खुशियां छीनने में ये लोग जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात समझ आई हो तो बोलिएगा सही बोले गुरुजी, क्योंकि दोस्तों आपने अपने जीवन काल में देखा होगा, कई बार देखा होगा कि हंसता खेलता जिंदगी रोने पर मजबूत कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो इन लोगों से बचकर ही रहना होगा। ग्रह सितारे बता रहे हैं अगले 24 घंटे में आपके घर शुभ मांगलिक कार्य होने वाला है जिससे आपके घर खुशियों भरा माहौल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे अगले 24 घंटे के भीतर, आपको अपने मामा पक्ष की ओर से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है, और जो लोग शादीशुदा जीवन जी रहे हैं वे लोग काफी खुश रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक दूसरे पर संदेह करने की आदत, डाउट करने की आदत को अपने माइंड से दूर करना होगा।
जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ये डाउट अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। आपको एक दूसरे पर भरोसा करके चलना होगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना होगा और एक दूसरे की भावनाओं को समझकर चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आप दोनों के बीच खुशियाँ बरकरार बनी रहेगी और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगले 24 घंटे पैसों की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जी हाँ, लेकिन आय के साथ साथ खर्च भी होंगे। अगर आप मैनेज करके चलेंगे दोस्तों, तो कुछ धन भविष्य के लिए संचित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज का दिन फैसला लेने के लिए दिन है। आप पिछले सप्ताह से कई चीज़ों के बारे में चिंता करते आ रहे हैं, टेंशन करते आ रहे हैं। आज कोई ऐसा फैसला लेने के लिए आपको पड़ सकता है जो शुरू में काफ़ी कठोर लगे, लेकिन दोस्तों आपको इस बारे में अपने दिल की सुननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में लोग बहुत से बातें कहेंगे, इनके बारे में आपको भड़काएंगे भी, लेकिन आपको अपने दिल की सुननी है, ये सोचना है कि अब मुझे करना क्या चाहिए, ये नहीं कि मुझे करना क्या होगा। जी हाँ, अपने दिल की बात सुने, इससे आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपका दिल करता है, जैसा आपका मन कहता है, वैसे ही करें, क्योंकि दोस्तों आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर आप लोगों की बातों में लग जाएंगे तो फिर आप भटक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए नहीं कि वो खर्चे दूर नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद को उन खर्चों को करना चाहते हैं। ये ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाती हैं, कि आप बुद्धिमत्ता वाला काम करें, लेकिन आप अपने या अपने किसी खास व्यक्ति को अपने बहुत निकट हैं, इसलिए किसी छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज आप किसी और संभावित साझेदारी की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले आप ही को सोचना होगा कि ये काम आपके लिए अच्छा है या नहीं, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे भाग्य आपका साथ दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। जी हाँ, आपको केवल उन्हीं कामों को करना होगा जो आपका दिल कहता है और जैसा आपको लगता है इसमें लाभ होगा। जी हाँ, इससे आपको रोमांचक और जो है साहसी होने की अनुभूति तो होगी, परंतु ये देखना होगा कि ये साझेदारी कितना सफल होगी। जी हाँ, किसी अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है, हालांकि ये अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा। जी हाँ, इसलिए आपको जल्द ही फैसला लेना होगा कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं जैसे एसिडिटी, अपच और शुष्क त्वचा तथा गिरते बालों से संचित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि खूब सारा पानी पिएं और अपनी किसी बुरी गलत को छोड़ने का अलावा आपको यह भी समझना होगा कि संतुलित खाना ही आपके लिए समस्याओं का मूल कारण है। जी हाँ, इसलिए तुरंत असर करने वाले सावधान ढूंढने की बजाय आपको अपने न्याय जो है डाइट चार्ट से बचना चाहिए, विशेष की सहायता ने अत्यधिक उपयुक्त रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज आप एक दार्शनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली ऐसी भी नौकरी में आज आप सफलता को छुएंगे। शिक्षकों, वकीलों, दार्शनिकों, प्रचारकों और राजनेताओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको शांतिक एवं जीवन के गहरे सवालों के बीच ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यवहारिक स्थिति से आप अपना मुख्य मोड़ना आपकी सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि ग्रह सितारे हमें क्या कह रहे हैं और किन कामों में हमें सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन सोच विचार के करके ही कोई काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।